दिल्ली सरकार में कार्यरत महिला बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर दुष्कर्म करने और पीड़िता को गर्भवती करने का मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद से सरकारी अमले में हड़कंप है। अब दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सख्त कदम उठाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। DWC अध्यक्ष ने पुलिस से पूछा है कि आखिर आरोपी अधिकारी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। स्वाति मालीवाल ने अपने नोटिस में कहा है कि दिल्ली में महिला बाल विकास विभाग में उप निदेशक के पद पर बैठे सरकारी अफसर पर बच्ची से यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया है। अपने नोटिस में उन्होंने पुलिस से पूछा है कि जिसका काम बेटियों की सुरक्षा करना था वही भक्षक बन जाए तो लड़कियां कहां जाएं। दिल्ली पुलिस आरोपी अधिकारी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। महिला और बाल विकास मंत्री दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्रालय में एक आदमी डिप्टी डायरेक्टर के पद पे काफी सालों से कार्यरत है। इस आदमी के खिलाफ एक बहुत ही सीरियस कंप्लेंट आई है कि इसने एक 16 साल की माइनर बच्ची का रिपीटेडली रेप किया और उसके बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो इसने और इसकी वाइफ ने मिलकर उसके बच्चा गिराने की कोशिश करी, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से, दशकों से कार्यरत है, तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ, और हम ये चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने क्या कहा, ये भी आपको सुना। रेप करना शुरू किया वो 14 साल की थी, आज वो 16 साल की है और वो और उसकी बीबी मिलकर, एक तो इलीगली उसको अपने पास रखा हुआ था, उसको कोई लीगल तरीके से उसको नहीं अडॉप्ट किया गया था, और फिर वो WCD का ऑफिसर होते हुए दिल्ली सरकार क्या सोई हुई थी, लास्ट 2 साल से वो ये कर रहा था। और जब बच्ची सामने आई, दिल्ली सरकार का एम्प्लॉय अगर ये खुद कर रहा है और वो DCW के साथ काम कर रहा था, तो DCW जो कि हर दूसरे के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करती है, वो कहाँ थी जब ये सब हो रहा था, उनका खुद का एम्प्लॉय ये कर रहा था। ये बहुत सारे क्वेश्चन दिल्ली सरकार के ऊपर भी आते हैं और बहुत सारे प्रश्न हमें भी पूछने हैं दिल्ली सरकार और DCW से भी। बलात्कार के आरोपी दिल्ली सरकार के अधिकारी पर कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर CM अरविंद केजरीवाल ने खुद अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया। कि इतना घटिया कृत्य जो हुआ है कभी सुना नहीं, आप अपने मृत दोस्त की बेटी को घर लाके उसके साथ ये करते हैं, ये तो पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अब मुख्यमंत्री ने अंततः खुद आदेश दिए हैं कि उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए और मुझे लगता है कि उसको हर संभव कानूनी सहायता हम लोग देंगे।